लोग अभी देखेंगे राजस्थान का टेंडर कैसे, ऑलरेडी हम लोगों ने अभी देखा दूसरा एक पोर्टल पे महाराष्ट्र पे महा टेंडर्स पे, अभी सर की है कि राजस्थान के पोर्टल पे कैसे टेंडर बनता है। अभी होस्ट का नहीं, क्लिक है टू लॉग इन, हमने लॉग इन अभी जनरेट किया। यहाँ पे हम लोग पहले डीएससी भी इनरोलमेंट करना पड़ेगा, जब डीएससी इनरोलमेंट होगा तब टेंडर भर पाएंगे क्योंकि डीएससी भी लगेगा। लॉग इन करते हैं, मेरा एकदम फ्रेश लॉग इन है नया। पहले क्या हो रहा था, लॉगिन हो जा रहे थे, अभी हम डायरेक्ट लॉगिन नहीं हो पा रहे। क्यों? क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे, तो मुझे डीएससी अटैच करना पड़ेगा, साइन सर्टिफिकेट वेट करेंगे। यहाँ पे देखो जावा रन कर रहा है, रन वेट करो कुछ मत करो, यहाँ पे डीएससी का नाम आएगा हमारा। डीएससी किसका है, विनय कुमार का नाम का है। और है क्या कोई सर्टिफिकेट, और ये वाला फेलियर सर्टिफिकेट ऑलरेडी यूज्ड बाय अनदर यूजर, मैंने ऑलरेडी ये डीएससी यूज किया है ये पोर्टल पे, ये डीएससी इसलिए नहीं हो रहा है, तो मुझे दूसरा डीएससी भी यूज करना पड़ेगा शायद, मुझे लग रहा है। फिर मेरा लॉग इन एक बना हुआ है आदित्य पंडित 0512 के नाम से आए थे राजस्थान के लिए, और दूसरा डीएससी होगा हम उससे लॉग इन कर लेते हैं। सर्टिफिकेट एडीएससी किसके नाम से है वो चेक करना पड़ेगा, वो नाम चूज करेंगे। ये डिपार्टमेंट का डीएससी है ना, तो इसमें साइन और इंक्रिप्शन दोनों रहे, ये पब्लिशिंग का डीएस, और हम इसको इधर महाराष्ट्र का है तो मैं इसको यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। रामदास डीएससी जनरलमेंट हो गया, नेक्स्ट ओटीपी जाएगा फिर से, हो गया लॉगिन सर्च टेंडर आईडी हम लोगों ने रह गया टेंडर आईडी, तो यहाँ से टेंडर आईडी फिर सर्च कर लेते हैं। डीएलबी का भरना है अपने को, अजमेर के अंदर ये वो कहाँ था सर, कुचेरी, सर्च टेंडर था, मान लीजिए टेंडर भरना है मुझे इसको, बराबर है क्या, फेवरेट में डाल दिया, माय टेंडर में भी ये दिखना चालू हो जाएगा, ये आ गया व्यू। यहाँ से टेंडर का डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं, शायद हमारा वही टेंडर है तो जरूरत नहीं पड़ेगा, समझते हैं वही है। प्रोसीड फॉर बिल्ड सबमिट एक्सेप्ट, यहाँ पे आ गया प्रोफाइल नेक्स्ट, जैसे कि हम लोगों ने पहले के टेंडर में देखा सेम प्रोसेस।
ईएमडी में एग्जेम्पशन लेना चाहते हो क्या, लेना चाहते हो? यस, सेम प्रोसेस, परसेंटेज वाइज या फिक्स वाइज लेना है तो, नहीं लेना है तो नो, तो फिर आपको पूरा पे करना पड़ेगा, है ना। परसेंटेज मान लीजिए मैं ले लेता हूँ तो मुझे पैसा भरना नहीं पड़ेगा, 35,000 एग्जेम्पशन, अकाउंट्स अपलोड। आपको पे करना है 35,700 डीडी के रूप में। पहले ये 1500 का है, पहले 1500 का डीडी बनाना पड़ेगा आपको, दो डीडी बनाना, 1500 का और एक ईएमटी का। अमाउंट कितना है 1500। कहाँ पे इश्यूड नंबर, डीडी का नंबर, ये मान लो डीडी का नंबर है मेरा, इश्यूड डिटेल्स किसने इशू किया, मान लो एचडीएफसी बैंक से मैंने बनाया, इशू डेट कभी इशू हुआ तो मैंने इशू 1 तारीख को किया, एक्सपायरी कभी है, 3 महीने का एक्सपायरी रहता है जनरली, फरवरी मार्च अप्रैल मई को, 1 तारीख को एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। इसको करेंगे सेव, ये हमारा डीडी हो गया 1500 का, इसको करेंगे नेक्स्ट। तो मेरा अभी ये ईएमडी का दूसरा अमाउंट 35,736 है, 35,736 डीडी का नंबर, डीडी का दूसरा डीडी का नंबर, इश्यूअर डिटेल्स ये भी एचडीएफसी बैंक से ही बनाया है मैंने, इश्यूअर डेट मैंने 1 फरवरी को ये भी बनाया है, इसका एक्सपायरी है मई को, 1 मई तक इसका एक्सपायरी, इसको भी करेंगे सेव, मेरा दोनों सेव, इसको करेंगे नेक्स्ट। मेरा टेंडर फीस और ईएमडी हो गया, है ना, पेड फीस हो गया, इनक्रिप्ट एंड अपलोड। टेक्निकल, टेक्निकल में जो डॉक्यूमेंट्स बोलेगा उसका कंबाइन करना है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, और उसके हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड, सब डॉक्यूमेंट्स का एक सिंगल पीडीएफ बनाना है, ये फाइल हम यहाँ से उठाएंगे, और सेम जो मेरा पुराना टेंडर का फाइल था हम उसको ही अपलोड कर सकते हैं, इसमें डीडी सिर्फ अटैच करना पड़ेगा क्योंकि ये ऑफलाइन पेमेंट है, तो डीडी के थ्रू से कोड, तो यहाँ पे टेंडर फीस और ईएमडी की जगह पे आपको कोटेड में जाके डीडी अटैच करना पड़ेगा। ओपन, हम ये फाइल अपलोड कर रहे हैं, साइन इन अपलोड, पिन, ये हमारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया टेक्निकल का। अभी फाइनेंस का, फाइनेंस का अपने को बनाना पड़ेगा, हम लोगों ने खाली डाउनलोड करके रखा है, यहाँ पे है ये कोटेड राजस्थान के अंदर ये वाला फाइल, एक्सट्रैक्ट फाइल, पहले एक्सट्रैक्ट करना है, ओके, एक्सट्रैक्ट हो गया, एक्सेल का फाइल मिलेगा, ओपन करो, ऑप्शंस, एनेबल दिस कंटेंट, ओके, नाम मेरा आदित्य पंडित के नाम से है, आदित्य पंडित, आइटम है सभी का, आप कैसे भर रहे हो, बिलो या वो, तो मैं इसको बिलो में भरना चाहता या 0-0 एस्टिमेट में भरना चाहता, एस्टिमेट रेट में सेम आ गया, सेव, कंटिन्यू, इसको करेंगे क्लोज, जरूरत नहीं नेक्स्ट टाइम, एक बार सेव हो गया तो, डीओ क्यू, ब्राउज, कोटेड, यहाँ पे हमने रखा है राजस्थान, इसके अंदर वर्क, इसके अंदर ये वाला फाइल अपलोड हो गया, साइन इन अपलोड।
है ना, इंद्रा हमने उन्हें भर गया, टेक्निकली भर दिया, फाइनल भर दिया। नेक्स्ट ये हमारा भर दिया, 1500 रुपया मैंने डीडी के रूप में भरा, 35,000 ईएमडी भी डीडी के रूप में भरा, सबमिट और फ्रिज बिल, इंटर मेरा सबमिट हो गया। एक्नोलेजमेंट चाहिए तो प्रिंट आउट निकाल लो, आपको SMS और मेल आ जाएगा, ये प्रोसीजर होगा। ऑफलाइन पेमेंट का कहीं पर भी, ऐसा नहीं कि राजस्थान के बुटी, महाराष्ट्र के CPWD, मिलिट्री इंजीनियरिंग, HP, इंडियन ऑयल, PMGSY या दूसरा कोई भी स्टेट जहां पे ऑफलाइन का पेमेंट होगा, ऐसा ऑनलाइन का पेमेंट मेथड होगा तो हम ले जैसे महाटेंडर्स महाराष्ट्र के साइड में भरा, ऑनलाइन का पेमेंट मेथड होगा तो ऐसा, बाकी सब कुछ प्रोसेस सेम टू सेम। बोलिए कोई डाउट है तो बताइए। किसी को कोई डाउट है? चलिए हम लोग इसके बाद देखेंगे टेंडर। यहाँ पे हम लोगों ने सर्च से माय टेंडर देखा, इसके आगे का भी पूरा प्रोसीजर देखेंगे, जिसको आगे कैसे प्रोसीजर होता है। सर ये कंप्लीट हो गया क्या?